नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8565905309606089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज चंद्रवर्धन एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स। दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बिहार स्पेशल का हम लोग दो पार्ट कर चुके थे, ये हमारा तीसरा पार्ट होने वाला है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या है। लेकिन उससे पहले, यदि चैनल पर आप नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पेड सर्विसेज भी चलते हैं और पेड सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं। तो चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले वीडियोज में हम लोग देख चुके थे 147 नंबर क्वेश्चन तक, आज हम लोग 148 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़ा था, ये क्वेश्चन है। हु वाज एसोसिएटेड विद द पीजांट मूवमेंट इन बिहार, राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास यानी कि चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। देखिए, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू आपको पता है कि स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, स्वराज दल से जुड़े हुए थे, ठीक है। सी आर दास जो थे वो अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो थे वो सचिव थे। 1923 में इसकी स्थापना इन्होंने की थी। भगत सिंह आप जानते हैं कि किससे जुड़े हुए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, HSRA से जुड़े हुए क्रांतिकारी नेता थे। तो किसान नेता तो ये थे नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो यदि आपने मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से पढ़ा है तो आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद के ही बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निवासी थे, कहां के निवासी थे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजेंद्र प्रसाद वाज इनहैबिटेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। तो सब लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश, ये बिहार से रिलेटेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष थे, कौन अस्थाई अध्यक्ष थे संविधान सभा के, कब बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष, बनाया गया था कब, 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था अस्थाई अध्यक्ष, और इससे पहले 9 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष जो बने थे एसएन सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, वो भी कहाँ के थे, वो भी थे आपके बिहार के ही थे, ठीक है। तो अस्थाई अध्यक्ष और अस्थाई अध्यक्ष दोनों बिहार के ही थे, ठीक। इसके अलावा मंत्री भी बने थे, ये आपके जो राजेंद्र प्रसाद है वो मंत्री भी बने थे और राष्ट्रपति तो बने ही बने थे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंध, अच्छा ये इनका ये जो है जीरादेई नामक स्थान जो है उससे संबंधित है ये, ठीक है, जीरादेई, ठीक, ये याद रखिएगा। उनके गांव का नाम क्या है, राजेंद्र प्रसाद जी के गांव का नाम जीरादेई। चलिए, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने जरूर अपना पढ़ाई छोड़ करके, अपना एग्जाम छोड़ करके और भाग लिया था, इससे संबंधित थे, लेकिन इस समय वो एक छात्र नेता के तौर पर थे, उस समय इनको प्रसिद्धि उतनी नहीं मिली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे थे, इसलिए सही आंसर क्या होना चाहिए, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए, ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था, नहीं थे होना चाहिए, बिरसा मुंडा वाज इन फेवर ऑफ झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था, ठीक है, मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था, और कब हुआ था, 1895 में इन्होंने अपने आप को भगवान घोषित किया था और जो आंदोलन चला था वो 1899-1900 के दौरान चला था, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसी को कहा जाता है उलगुलान विद्रोह, ठीक है, इसी को कहा जाता है उलगुलान विद्रोह, ठीक है, और उलगुलान किसको कहा जाता है, बिरसा मुंडा को कहा जाता है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र की स्थापना की,
शिशुनाग, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग एस्टैब्लिश्ड पाटलिपुत्र, शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर उदयन। देखिए उदयन ने की थी, जी हाँ उदयन ने की थी पाटलिपुत्रा की स्थापना। उससे पहले जो राजधानी हुआ करता था वो राजगृह हुआ करता था, मगध की राजधानी, ठीक है। और उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की थी सबसे पहले और उसको अपनी राजधानी बनाया था। उदयन किस वंश का था? हरियंक वंश का था, हरियंक वंश का था, ठीक है। हरियंक वंश का ही संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और उसके बाद बना था उदयन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर फाउंड इन बिहार, कोयला, लोहा, मैंगनीज या फिर पेट्रोलियम। अब यहां से कूट का चयन करना है, सही कूट का चयन करना है, एक और दो, एक और तीन, एक दो और चार, ठीक है। और इधर ऑप्शन एक और दिया हुआ है, केवल एक, केवल एक भी एक ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन है केवल एक। तो यहां पर यदि हम लोग देखें सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि तत्कालीन बिहार में कोयला, लोहा और मैग्नीज तीनों पाया जाता था, ठीक है। जब उस समय झारखंड भी हुआ करता था तब कोयला, लोहा और मैग्नीज तीनों पाया जाता था। तो यहां पर जो है आपका एक, दो और तीन सही आंसर होना चाहिए, एक, दो, तीन सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर एक, दो, तीन कहीं पर दिया हुआ भी नहीं है, ठीक है। तो एक, दो और चार दिया हुआ है, चार तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसमें जो है एक, दो और तीन अगर ऑप्शन होता तो हम मार सकते थे। अभी वर्तमान की यदि हम लोग बात करें, वर्तमान में यदि बात करें तो हमको जो है यहां पर लाइम स्टोन मिलता है, लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर मिलता है बिहार में, ठीक है। इसके अलावा अभरख मिलता है, अभरक थोड़ा बहुत मात्रा में मिलता है बिहार में। इसके बाद यदि बात करें तो पायराइट मिलता है, पायराइट के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है, लगभग 94% पायराइट का उत्पादन बिहार में होता है। इसके अलावा क्वार्ट्ज क्रिस्टल मिलता है, क्वार्ट्ज मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टीराइट मिलता है, ठीक है। तो ये सब जो है वर्तमान बिहार में आपको खनिज के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो यहां पर यदि 1, 2, 3 होता ऑप्शन तो आप मार सकते थे, फिलहाल आप मैग्नीज को छोड़ दीजिए, 1 और 2 भी मार सकते हैं, ठीक है, यदि इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो। लेकिन ये तो अब पूछेगा ही नहीं, ठीक है, और पूछेगा भी तो केवल वर्तमान बिहार से रिलेटेड पूछेगा। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा कि कौन कौन सी खनिज फिलहाल पाई जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सारण सिंचाई किस नहर से निकलती है? सारण इरिगेशन कैनाल इमर्जेज फ्रॉम, सारण सिंचाई नहर कहां से निकलती है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है सोन, गंगा, कोसी और गंडक। सारण सिंचाई नहर के बारे में पूछा जा रहा है, सारण इरिगेशन कैनाल के बारे में। तो यह जो है गंडक नदी से निकलता है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। त्रिवेणी, त्रिवेणी और सारण ये दोनों जो है कहां से निकलता है? गंडक से ही निकलता है, ठीक है, दोनों आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन बिहार इज, और ये उस समय के हिसाब से पूछा जा रहा है, 42.85, 47.25, 52.51 या फिर 43.56। तो उस समय के लिहाज से देखें तो उस समय 47.25 हुआ करता था, अभी जो है वो 61.8% है, 61.8% अभी है, ठीक। और यदि हम लोग देखें तो पुरुष साक्षरता जो है वो 71.2% है और महिला साक्षरता की बात करें तो वो है 51.5%, ठीक है। और टोटल अगर देखें यूनियन टेरिटरीज और स्टेट सबको मिला दे तो 35वां स्थान है बिहार का लिटरेसी के मामले में, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। कौन सी नदी अपने चैनलों को स्थानांतरित करने के लिए कुख्यात है? विच रिवर इज नोटोरियस फॉर शिफ्टिंग इट्स कैनल्स, ठीक है, अपना जो मार्ग है ये इसी को कह सकते हैं कि अपना मार्ग परिवर्तन कौन बराबर करती रहती है, ठीक है, मार्ग परिवर्तन, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मार्ग परिवर्तन कौन नदी बार बार करती है? तो सोन, गंडक, कोसी या फिर गंगा, आंसर क्या हो जाएगा? कोसी हो जाएगा, ये जो है अपना मार्ग बराबर परिवर्तन करती रहती है और यही कारण है कि उत्तर बिहार में बाढ़ का बहुत बड़ा कारण ये बन जाती है, ठीक है, तो याद रखिएगा कोसी नदी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
बिहार का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द बिगेस्ट? पटना, गया, दरभंगा या फिर समस्तीपुर? देखिए, उस समय के लिहाज से यदि देखें तो हो सकता है कि आंसर क्या हो, गया हो, लेकिन अभी की बात करें यदि तो अभी जो है आपका पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा है। पश्चिम चंपारण जो है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा है शिवहर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, सबसे बड़ा ये हो गया बिगेस्ट और ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा पश्चिम चंपारण और शिवहर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जनगणना 2001 के अनुसार नए राज्य बिहार की कुल जनसंख्या है, तो 2001 के अनुसार पूछ रहा है, मतलब झारखंड अलग हो चुका था, फिर भी बिहार का जनसंख्या उस समय के हिसाब से तो कम ही होगा, तो ये है 64.434 मिलियन, 86.374 मिलियन, 82.998 मिलियन या फिर 70.562 मिलियन। तो उस समय के लिहाज से यदि देखें तो यहाँ पर 82.998 मिलियन हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में कितना है? वर्तमान में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो जनसंख्या है वो 10,40,99,452 है, और इसको टोटल संख्या आप याद रखिएगा 10,40,99,452, एकदम रट्टा मार लीजिए। ठीक है, और यह जो है 8.60% है पूरे भारत की जनसंख्या का, और तीसरा स्थान है बिहार का इस मामले में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में। ठीक है, ये तीनों आंकड़ा आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं, बिहार की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ बिहार इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन? 10.76%, 13.14%, 12.86% और 21.56%। देखिए, उस समय के लिहाज से ये भी पूछा जा रहा है, तो ये था 10.76%। अभी की बात करें, यदि वर्तमान की बात करें तो नाउ जो है, नाउ मतलब अभी, अभी जो है यह है टोटल जनसंख्या 11,75,80,16 ये है। ठीक है, ये हो गया कितना, 1,17,58,016। ठीक है, और ये कितना परसेंटेज बनता है, 11.3% बनता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 11.3% जनसंख्या जो है वो अर्बन है फिलहाल बिहार में। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिहार में तेल रिफाइनरी संयंत्र किस स्थान पर है, ये तो सबको पता होगा, वायल रिफाइनरी प्लांट कहाँ है बिहार में? सिंहभूम, रुद्रसागर, बरौनी या फिर रांची? देखिए, सिंहभूम भी आपका झारखंड में है, रांची भी झारखंड में है, क्या होगा? बरौनी होगा। बरौनी तेल रिफाइनरी जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक है, ये सब आपको पता भी होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजर भी है। चलिए, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए प्रसिद्ध है? विच सिटी इन बिहार इज फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क? हजारीबाग, नालंदा, गया और जमशेदपुर। देखिए, उस समय के लिहाज से ये पूछा जा रहा है जब झारखंड भी सम्मिलित था बिहार में। ठीक है, तो उस समय के लिहाज से देखें तो हजारीबाग हो जाएगा, जो कि अब कहाँ है, झारखंड में। अब कहाँ है, झारखंड में। फिलहाल की यदि बात करें तो आपका गया जो है, फिलहाल की बात करें तो गया जो है वो फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के लिए, लेकिन केवल एकमात्र पश्चिम चंपारण में ही, केवल एकमात्र पश्चिम चंपारण में ही राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि। ठीक है, तो बिहार में मात्र एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि, जो कि है पश्चिम चंपारण में, याद रखिएगा। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर सेम ऑप्शन दे दे तो गया आप मार सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं समझा समझा करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? पहले भी बता चुका हूं और इस वीडियो में भी बताया हूं, विच रिवर्स वाटर इज कमिंग इनटू त्रिवेणी कैनाल? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। मैंने बताया था सारण और त्रिवेणी दोनों में किसका पानी, गंडक का पानी। ठीक है, तो याद रखिएगा 162 का सी। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है, एनएच की बात कर रहा है, नेशनल हाईवे की बात कर रहा है यहाँ पर, कि कुल लंबाई कितनी है, 5,358, 1,088, 1,313 या फिर 1,371। तो उस समय के लिहाज से यदि देखें तो 5,358 किलोमीटर हो जाएगा। अभी की बात करें जो लेटेस्ट आंकड़ा है 5,475.05 किलोमीटर जो है वर्तमान में लंबाई है। ठीक है, और ये लेटेस्ट आंकड़ा है जो कि मैंने इंटरनेट से निकाला है, ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं,
भारत की कुल जनसंख्या के में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बिहार ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया? 9.33%, 10.21%, 16.44% या फिर 8.04%। तो ये जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के लिहाज से 8.04% था, अब जो है ये 8.60% है। तो आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, पटना नगर निगम में वार्डों की संख्या कितनी है? कितने वार्ड्स हैं पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, ये पूछा जा रहा है। 57, 67, 64 या फिर 59। उस समय के लिहाज से जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय यहाँ पर 57 वार्ड्स हुआ करते थे, अब जो है 75 वार्ड्स हैं टोटल पटना नगर निगम में, और यह जो है 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल में बटे हुए हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल्स। टोटल कितने सर्किल्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल? 6 एडमिनिस्ट्रेटिव सर्किल हैं, प्रशासनिक विभाग हैं, जिसमें कि ये बटे हुए हैं 75 वार्ड्स, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? देखिए आ ही गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ बिहार इज फेमस फॉर वाइल्ड लाइफ? भागलपुर, बोधगया, पटना या फिर हजारीबाग। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है उसी के हिसाब से है, लगभग सेम टू सेम क्वेश्चन है, लेकिन अभी जो है इसका आंसर बोधगया दे दीजिए आप, ठीक है, बोधगया जो होगा सही आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो ये तो सबको पता होगा, विच न्यू स्टेट इज रिसेंटली फॉर्म बिहार? वनांचल, विदर्भ, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो एमपी से अलग हुआ है, आपको पता होना चाहिए। विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र को में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, नागपुर वगैरह का जो क्षेत्र होता है उसको विदर्भ कहा जाता है, ठीक है। फिर बिहार से कौन अलग हुआ? झारखंड अलग हुआ, कब हुआ? 2000 में हुआ, और किस डेट को हुआ ये जरा सा कमेंट में बताइएगा, आपको निश्चित तौर पर पता होना ही चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो जरूर बताइएगा कमेंट में। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड बनने के बाद बिहार में कितने जिले शेष हैं? आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ झारखंड हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर लेफ्ट इन बिहार? 37, 65, 60 या फिर 62। देखिए उस समय के लिहाज से 37 होगा, बाद में जो है आपका 38th जिला जोड़ा गया, तो अब जो है टोटल 38 जिले हैं बिहार में, ठीक है। सबसे नया जिला कौन सा जोड़ा गया था पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जरा कमेंट में लिखिएगा कि सबसे नया जिला जो बिहार में जोड़ा गया वो कौन सा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया, तो 38th जिला बिहार का कौन सा है ये जरा कॉमेंट में आप बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार की मुख्य खाद्य फसलें हैं, द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ बिहार आर? चावल, गेहूं, मक्का, गन्ना, चाय, जौ, मूंगफली, कॉफी, गेहूं, इनमें से कोई नहीं। देखिए कॉफी तो खाद्य फसल होता नहीं है, यहाँ पर चाय भी जो है खाद्य फसल होता नहीं है, तो चावल, गेहूं, मक्का यदि आप चाहते तो आसानी से यहाँ पर ऑप्शन छांट करके बता सकते थे, ठीक है। चावल, गेहूं और मक्का जो है वो बिहार की प्रमुख खाद्य फसलें हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अच्छा चावल और गेहूं के उत्पादन में, देखिए चावल और गेहूं दोनों के उत्पादन में यदि देखें तो जो प्रथम जिला है वो है रोहतास, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ये लेटेस्ट आंकड़ा है आपका इकोनॉमिक सर्वे का। चलिए आगे देख लेते हैं, बिहार का कौन सा शहर झारखंड की राजधानी है? विच सिटी ऑफ बिहार इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? आपको पता ही होगा हर एक राज्य की राजधानी तो पता ही होना चाहिए, बक्सर, धनबाद, रांची या फिर हजारीबाग। आंसर क्या होगा? रांची हो जाएगा, ठीक है, ये निश्चित तौर पर आपको याद होगा। नेक्स्ट, कुंवर सिंह ने किस प्रांत से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? देखिए मैंने बोला था ना कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, विच प्रोविंस फ्रॉम कुंवर सिंह हैड लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857? पंजाब, बंगाल, बिहार या फिर महाराष्ट्र। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार में भी कहां से? पटना या तो दे सकता है या फिर जगदीशपुर दे सकता है आंसर में, ऑप्शन में, या फिर आपका आरा दे सकता है ऑप्शन में, ये तीनों का तीनों ही सही हो जाएगा, ठीक है, पटना, जगदीशपुर, आरा कोई भी दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, मुंडा विद्रोह शुरू हुआ था, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, यदि तीनों देता है ऑप्शन में तो आप पटना ही मारेंगे, बीपीएससी जो है वो पटना को ही सही मानती है, ठीक है, अगर जगदीशपुर और आरा दे दे तो जगदीशपुर को मारिएगा, ठीक है। चलिए, मुंडा विद्रोह शुरू कब हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुंडा रिवोल्ट वाज स्टार्टेड इन 1885, 1888, 1890, 1895,
आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1895। जी हाँ, 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान घोषित किया था और फिर जो है उलगुलान विद्रोह यानी कि मुंडा विद्रोह शुरू हो गया था, ठीक है। और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1899 में और फिर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। और 1900 में 1899 से लेकर 1900 तक यह युद्ध, ये जो आपका मुंडा विद्रोह है ये चला था, ठीक है। आगे देख लीजिए, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को निर्वासित किया गया था। वेयर श्री योगेंद्र शुक्ल वाज डिपोर्टेड ऑन 7th of December 1942। रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर, कहां पर निर्वासित किया गया था योगेंद्र शुक्ल को, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा पटना। जी हाँ, पटना निर्वासित किया गया था। यदि देखें तो जनरली इनको जो है बक्सर जेल भेजा गया था, बक्सर जेल भेजा गया था, लेकिन बक्सर जो है वो पटना के नजदीक है या फिर पटना जिला में था उस समय, पटना प्रांत में था, तो इसको जो है पटना यहाँ पर आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। और कब किया गया था ये आपको यदि बताए योगेंद्र शुक्ल के बारे में, तो 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग से ये भागे थे, ठीक है। हजारीबाग जेल से भागे थे किसके साथ? जेपी के साथ, जयप्रकाश नारायण के साथ। इनको जो है मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर वहां से बक्सर जेल यानी कि पटना भेज दिया गया, ठीक। तो ये योगेंद्र शुक्ल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पटना से प्रकाशित हुआ था? विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम पटना? द इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, प्रभाकर या फिर डाउट? देखिए, पंजाब केसरी तो होगा नहीं। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? द इंडियन नेशन। जी हाँ, द इंडियन नेशन का प्रकाशन यहाँ से शुरू हुआ था, 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। और दरभंगा के महाराजा थे कामेश्वर सिंह, इन्होंने ही यह द इंडियन नेशन नामक समाचार पत्र शुरू किया था। कहां से? बिहार, पटना से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? इन विच जेल जगत नारायण लाल वाज सेंट? बाकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल या फिर हजारीबाग जेल? तो जगत नारायण लाल को कहां भेजा गया था? भेजा गया था आपका बांकीपुर जेल। जी हाँ, बांकीपुर जेल ही राजेंद्र प्रसाद जी को भी भेजा गया था, ये भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, और जगत नारायण लाल को भी बांकीपुर जेल भेजा गया था, याद रखिएगा। चलिए, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा वाज हैड बिलोंग्स टू विलेज। रामचंद्र शर्मा कहां से थे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गोगरी, इंद्रपुर, पेमा या फिर अम्हारा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अम्हारा। रामचंद्र शर्मा जो थे वो अम्हारा से संबंधित थे, याद रखिएगा। और ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक जिसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता थे बिहार से, ठीक है, प्रमुख नेता थे कहां से? बिहार से, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रामचंद्र शर्मा निम्नलिखित में से किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थे? तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इनका गांव क्या था? अम्हारा था। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। श्री नरसिंह नारायण वाज समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतरराष्ट्रवादी और साम्यवादी। देखिए, अंतरराष्ट्रवादी तो हो नहीं सकता है, ठीक है, राष्ट्रवादी जरूर होंगे, कोई भी जो देश के लिए काम करते हैं वो राष्ट्रवादी तो जरूर होंगे, और चूंकि राष्ट्रवादी थे इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन जो सही आंसर होगा वो होगा समाजवादी। जी हाँ, ये कौन थे? समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, ठीक है, याद जरूर रखिएगा, श्री नरसिंह नारायण सोशलिस्ट थे। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो ये तो आपको पता ही होगा, विच पार्टी जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड? कांग्रेस, किसान सभा, समाजवादी या फिर साम्यवादी। देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल से जुड़े हुए थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी, जिसके बारे में पिछले वीडियोज में मैं बता चुका हूं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक, तो याद जरूर रखिएगा। अच्छा, ये जो है थोड़ा सा एक बार और रिवीजन करा दूं, अक्टूबर 1934 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, कहां हुआ था?
पटना में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए, इसीलिए रिवीजन भी करा दिया हूं। बाकी प्रीवियस वीडियो जो है वो निश्चित तौर पर आप देखा करिए, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे और भी जानकारी, और सारा लगातार देख जाइएगा तो बहुत फायदा करेगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कैम फ्रॉम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार से, तमिलनाडु से। जस्ट अभी बताया हूँ, राजेंद्र प्रसाद जो थे आपको पता भी होगा कि पहले राष्ट्रपति थे, और कहाँ से थे? बिहार से थे, जीरादेई से। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, और कब इनको बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो लगातार दो टर्म तक राष्ट्रपति बने रहे थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को दिया गया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हुज सम पार्ट वर गिवन टू वेस्ट बंगाल? जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम, या फिर राजगीर। देखिए, ये जो है उस समय का क्वेश्चन है जब झारखंड भी सम्मिलित हुआ करता था, लेकिन चूंकि इतिहास का क्वेश्चन है तो उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्णिया और मानभूम। जी हाँ, पूर्णिया और मानभूम का कुछ इलाका जो है वो पश्चिम बंगाल को दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का सत्र बिहार में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? द 1937 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड इन बिहार एट हरिपुरा, पटना, फैजपुर या फिर भागलपुर। देखिए, यहाँ पर जो है क्वेश्चन गलत है। देखिए, ये हुआ था 1937 में, हुआ था फैजपुर में। ठीक है, लेकिन फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। फैजपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। 1937 में फैजपुर में हुआ था सम्मेलन, यहाँ पर जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे इस सम्मेलन के। और यह जो है पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी रूरल एरिया में, मतलब ग्रामीण इलाके में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसलिए बहुत फेमस है 1937 का। ठीक है, अगर हम लोग बिहार की बात करें तो बिहार में दो बार हुआ है कांग्रेस का सम्मेलन। एक बार 1912 में हुआ है। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ है? बांकीपुर, पटना में। बांकीपुर या फिर पटना भी देता है ऑप्शन में, तो बांकीपुर पटना में हुआ है। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे आर एन मधोलकर। ठीक है, और दूसरी बार जो हुआ है वो हुआ है 10 साल के बाद 1922 में हुआ, और ये हुआ गया में। और इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सी आर दास, मतलब चित्तरंजन दास। ठीक, तो ये दोनों, ये तीनों चीजें जो हैं आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहां पर हम लोग फैजपुर ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कहां? महाराष्ट्र में है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। पूर्व स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पूर्व में बिहार में निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख जाति नहीं थी? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ डोमिनेंट कास्ट इन बिहार ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड? तो भूमिहार, राजपूत, कायस्थ एवं कुर्मी। यहाँ पर जो है भूमिहार, राजपूत और कायस्थ, ये तीनों जो है वो अपर कास्ट में आते हैं। ठीक, और इनका वर्चस्व हुआ करता था समाज में। कुर्मी जो है, कुर्मी एक जाति है जो कि आपका किस में आती है? शायद ओबीसी में आती है, मुझे आइडिया नहीं है। तो ये जो है प्रमुख जाति नहीं हुआ करती थी, हालांकि अभी यह प्रमुख जाति बन गई है, क्योंकि इसी जाति से आते हैं नीतीश कुमार। ठीक है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चलिए, वैसे जातिगत क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था बीपीएससी को, पता नहीं क्यों पूछा है, आई डोंट नो। महात्मा गांधी से पहले बिहार में संबंधित राष्ट्रीय गतिविधि की अनुपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। द एब्सेंस ऑफ रिलेटिव नेशनल एक्टिविटी इन बिहार बिफोर महात्मा गांधी कैन बी ट्रेस्ड टू द लैक ऑफ अ संयुक्त समुदाय, मिलिटेंट ग्रुप, रचनात्मक क्षेत्रीय अभिजात वर्ग या फिर प्रमुख मध्यम वर्ग। तो किसके अभाव में भारत में राष्ट्रीय गतिविधियां स्वतंत्रता से जुड़ी हुई नहीं हो पाई? कब से पहले? महात्मा गांधी से पहले, मतलब 1917 से पहले। महात्मा गांधी कब आए थे बिहार? 1917 में चंपारण में आए थे। तो उससे पहले बिहार में कोई भी राष्ट्रीय गतिविधि क्यों नहीं हुई, आजादी से रिलेटेड, स्वतंत्रता से रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि संयुक्त समुदाय का अभाव था, मतलब कि
यूनाइटेड कम्युनिटी नहीं थी, लोग एक साथ संयुक्त होकर के लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, यूनाइटेड नहीं थे, इस कारण से अभाव रहा और राष्ट्रीय पटल पर बिहार से कोई गतिविधि नहीं दिखाई दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बड़े जमींदारों के लिए स्वतंत्र बिहार में राजनीतिक सत्ता उनकी रक्षा के लिए थे, किसके रक्षा के लिए थे? इन प्री इंडिपेंडेंट बिहार फॉर द लार्ज लैंडलॉर्ड्स पॉलिटिकल पावर वाज अ मीन टू प्रोटेक्ट दियर राज्य के संसाधन, स्टेट रिसोर्सेज, सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस, आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर या फिर संस्कृति, कल्चर। देखिए यहाँ पर जो है आर्थिक शक्ति, अपनी आर्थिक शक्ति को बरकरार रखने के लिए वो लोग जो है लड़ रहे थे, बाकी कोई बात नहीं थी। ठीक है, बड़े जमींदार जो थे बिहार के वो सब अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रखना चाहते थे, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अंग्रेजों का भी साथ दिया। ठीक है, वैसे बहुत सारे जो जमींदार थे वो स्वतंत्रता के लिए लड़े भी थे, लेकिन बहुत सारे मुखबिर बन गए, अंग्रेजों का साथ दिया, उनको सहायता दी, धन से भी, जन से भी, हर तरह से सहायता दी थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 1930 के दौरान जिसमें निम्नलिखित में से किस कस्बा में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल रहा कि कुछ महीनों के लिए ब्रिटिश राज के सभी निशान गायब हो गए थे? ड्यूरिंग द 1930s इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस वाज सो सक्सेसफुल दैट फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑल ट्रेसेस ऑफ ब्रिटिश राज सीम्स टू हैव डिसअपीयर्ड, पटना, साहिबगंज, बरही या फिर मुजफ्फरपुर? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बरही। जी हाँ, बरही इसका सही आंसर हो जाएगा। बरही कांग्रेस जो था उस वो इतना ज्यादा सफल हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि ब्रिटिश राज का सारा अस्तित्व ही वहां से मिट गया था। ठीक है, चलिए कुछ समय के लिए, ज्यादा समय के लिए नहीं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा वाज फॉर्म्ड इन फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या फिर अप्रैल 1932। ये पहले भी बता चुका हूँ दो तीन बार, हिस्ट्री वाला जो वीडियो था उसमें भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 1929। मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था, कई बार बता चुका हूँ। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार में कृषि वर्गों को निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें रखा गया था? एग्रेरियन क्लासेस इन बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर प्लेस्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, पांच गुना विभाजन, फाइव फोल्ड डिवीजन, चार गुना विभाजन यानी कि फोर फोल्ड डिवीजन, तीन गुना विभाजन यानी कि थ्री फोल्ड डिवीजन या फिर कोई विभाजन नहीं। तो यहाँ पर कितने कैटेगरी में विभाजित किया गया था यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? तीन गुना, मतलब कि तीन थ्री फोल्ड डिवीजन उसका किया गया था, मतलब तीन भागों में बांटा गया था कृषि वर्गों को, कृषक वर्गों को। ठीक है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में चुना गया था? इससे पहले भी ये क्वेश्चन था, अजातशत्रु, कलाशोक, उदयन या फिर कनिष्क? आंसर क्या हो जाएगा? उदयन। किस वंश का था? हरियंक वंश का था। ठीक है, और इसी को यदि पूछा जाए, यहाँ पर पाटलिपुत्र पूछा जा रहा है, और यदि यही पटना पूछा जाए, ठीक है, यदि यही पटना पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? शेर शाह सूरी हो जाएगा, शेर शाह सूरी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, शेर शाह सूरी पटना की स्थापना किया था। ठीक है, और इससे पहले जो राजधानी हुआ करता था, पाटलिपुत्रा से पहले जो राजधानी हुआ करता था वो राजगृह हुआ करता था, और पाटलिपुत्रा जो है वो मौर्य साम्राज्य का भी राजधानी रहा और गुप्त साम्राज्य में भी राजधानी रहा था। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप किसे बिहार के भौतिक प्रभागों में शामिल नहीं करेंगे? नहीं पर यहाँ पर जोर दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू नॉट इंक्लूड इन द फिजिकल डिविजन ऑफ बिहार? छोटा नागपुर पठार, उत्तर गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान या फिर पूर्वी गंगा का मैदान? देखिए, छोटा नागपुर का पठार तो फैला हुआ है दक्षिण बिहार में, ये जो है आपका दक्षिण बिहार में है और झारखंड में है। ठीक है, और भी बताया था मैंने, छत्तीसगढ़ में भी है, पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा बहुत है, ओडिशा में भी है थोड़ा बहुत। ठीक है, और गंगा नदी जो है वो बिहार को दो भागों में बांटती है, ये आप सब लोगों को पता है, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान। यहाँ पर पूर्वी गंगा का मैदान जो है ये नहीं होगा सही आंसर। तो बिहार के भौतिक प्रभागों में हम लोग पूर्वी गंगा का मैदान शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बिहार में निम्न में से किस समूह से जुड़ी नदियां गंगा या उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर उत्तर की ओर बहती है? इन बिहार द रिवर्स बिलोंगिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ज्वाइन द गंगा और इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लोइंग
फ्रॉम द नॉर्थ। तो घाघरा कोसी पुनपुन, कोसी महानंदा कर्मनाशा, गंडक कमला बागमती या फिर सोन कोसी उत्तरी कोयल। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर कौन सी बहती है, फ्रॉम द नॉर्थ कौन सा बहता है, कौन सी नदियों का समूह बहता है ये पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, गंडक कमला बागमती, गंडक कमला बागमती ये तीनों जो है वो मुजफ्फरपुर के इलाके में जो है ये बहती है, चंपारण मुजफ्फरपुर ठीक है ये सब इलाके में ये सब बहती है। इन इलाकों में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इन इलाकों में चावल गेहूं पटसन गन्ना इत्यादि की खेती खूब होती है ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा आप ठीक। और यहाँ पर गंडक कमला बागमती जो है वो सहायक नदियों के साथ, गंगा या उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर उत्तर की ओर बहती है, याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य के साथ किस देश का क्षेत्रीय सीमा संबंधित है, विच कंट्री हैज टेरिटोरियल बाउंड्री लिंक विद बिहार स्टेट, भूटान नेपाल चीन या फिर बांग्लादेश। तो बिहार के साथ केवल नेपाल की सीमा मिलती है, उत्तरी बिहार की जो सीमा है जो कि आपका शिवालिक का क्षेत्र पड़ता है, शिवालिक का गिरिपादीय क्षेत्र जो पड़ता है जिसको बिहार का तराई क्षेत्र कहते हैं ठीक है, वही जो है आपका लगा हुआ है नेपाल की सीमा से ठीक है। जिसमें आपको मैंने बताया सबसे पहला क्वेश्चन जो बताया था सब फर्स्ट पार्ट में उसी में बताया था कि नेपाल की सीमा से कौन कौन से राज्य बिहार के लगते हैं, जिसमें आपका पश्चिमी चंपारण से शुरू होता है, फिर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी ये सब होते हुए और लास्ट में जो है आपका किशनगंज तक जाता है ठीक है, अररिया किशनगंज तक जाता है ठीक। तो ये मैप जब देखिएगा तब आसानी से आप पता कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, भौगोलिक प्रदेशों के अनुसार भारत में बिहार का रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ बिहार इन इंडिया इन व्यू ऑफ ज्योग्राफिकल टेरिटरीज ठीक है। तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में बिहार का जो रैंक है वो पूछा जा रहा है, तो 2, 4, 11 या फिर 9 आंसर क्या हो जाएगा। उस समय के लिहाज से यदि देखें जब झारखंड सम्मिलित था उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस समय के लिहाज से 11वां था, अभी यदि हम लोग देखें तो अब जो है 13वां हो गया, अब 13वां हो गया है जब से आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है तब से ये कितना हो गया, 13वां हो गया ठीक है, याद जरूर रखिएगा। जनसंख्या के मामले में तीसरा और क्षेत्रफल के मामले में 13वां ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, व्हाट इज द फीमेल लिटरेसी रेट इन बिहार एज पर 2001 सेंसस। तो अब तो 2011 याद रखना जरूरी है, लेकिन उस समय के लिहाज से क्या था, 60.32% 53% 33.57% या फिर 47.53%। देखिए उस समय के लिहाज से यदि देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 33.57% जो कि बहुत कम था, अब है 51.5% जो कि थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था आपको 71.2% जो है आपका पुरुषों का है और 51.5% जो है वो महिलाओं का है ठीक है, थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था। चलिए तो आपको याद क्या रखना है, 51.5% रखना है, हालांकि अभी भी बहुत ही कम है, पुरुषों की तुलना में भी कम है और ओवरऑल भी बहुत ही कम है लिटरेसी रेट। चलिए 1855 में संथालों ने किस ब्रिटिश कमांडर को हराया था, ये क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथाल्स इन 1855, कैप्टन निक फेविल, लेफ्टिनेंट बास्टन, मेजर कुंड या फिर कर्नल व्हाइट। देखिए ये मैंने इंटरनेट पर भी ढूंढा है और बहुत सारी किताबों में ढूंढा है लेकिन जो है मुझे मिला नहीं, आंसर इसका मेजर कुंड होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी एक बार मैं फिर से कंफर्म करूंगा आपको, इस अभी जो है मुझे मिला नहीं है कहीं पर भी, मेजर कुंड जो है फिलहाल एक आध जगह मिला है तो यही सही आंसर होना चाहिए ठीक है, 194 का सी याद रखिएगा, बाकी मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह ने कब अंतिम सांस ली, व्हेन वाज कुंवर सिंह लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार ब्रेथेड हिज लास्ट, 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858 या फिर 20 जून 1858। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो इसमें से सारा का सारा ऑप्शन गलत है, ये जो आपके कुंवर सिंह थे इन्होंने, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 26 अप्रैल 1858 को हुई थी
ठीक है, तो अंतिम सांस उन्होंने 26 अप्रैल 1858 को लिया था। ठीक, इसमें सही ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ है, तो 9 मई सबसे नजदीक है, तो आप इसी को मार दीजिए फिलहाल। लेकिन सही आंसर क्या होगा, 26 अप्रैल 1858 होगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी की बैठक में भाग लिया था। सितंबर 1928 में यह बैठक हुई थी, कहां पर बैठक हुई थी, फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में यह बैठक हुई थी, और यहीं पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, किसके नाम पर, आजाद जी के नाम पर। ठीक है, तो अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो आजाद, और स्थापना किसने की, तो भगत सिंह ने की थी। ठीक है, फणीन्द्र नाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ घोष या फिर भगत सिंह। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फणीन्द्र नाथ घोष जो थे वो बिहार से था, और यही जो था शुरुआत में तो HSRA से जुड़ करके अच्छे काम किए, लेकिन बाद में जब भगत सिंह पकड़े गए सैंडर्स मर्डर केस में, तो यही जो था गद्दार बन गया, और इसी के गवाही से भगत सिंह जी को फांसी की सजा हुई थी, इसलिए गद्दार है, बिहार के नाम पर कलंक है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 196 नंबर हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस में जो है ये अभी गवाह बन गया था। ठीक है, आगे, बिहार के किस स्थान पर 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। एट विच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड, हरिपुरा, पटना, गया, रामगढ़। आंसर क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा, सीआर दास अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती हैं। रिवर्स बिलोंगिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स फ्रॉम फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर याद रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। कमला, सोन और बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी और गंगा। तो देखिए, कोसी जो है वो उत्तर बिहार में बीच में बहती है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जो देखिए, ये बिहार है, यदि बिहार है तो उत्तर प्रदेश इस साइड है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, तो जो नदियां यहाँ पर बहेंगी, पश्चिम में बहेंगी, ठीक है, वही तो सीमा बनाएंगी ना उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बूढ़ी गंडक तो ठीक है, कोसी जो है वो बीच में बहती है, ठीक है, और गंगा जो है इस प्रकार से बहती है, ठीक, तो या तो उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाएगी नहीं। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा, ये हो सकता है। कर्मनाशा जो है वो आपका पश्चिम में बहती है, गंडक भी जो है वो पश्चिम इधर से निकलती है इस प्रकार से, ठीक है, और घाघरा भी जो है वो उधर ही बहती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि आपका मैप पर कंट्रोल है तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते थे। ठीक है, अजय, पुनपुन, ये सब जो है दक्षिण बिहार की नदियां हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे, यदि मैप आप देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार की जन्म दर प्रति 1000 है। अकॉर्डिंग टू द ईयर 2002 बर्थ रेट ऑफ बिहार पर 1000 इज, तो उस समय के लिहाज से देखते हैं 7.9, 30.9, 20.9 या फिर 26.6। देखिए, उस समय के लिहाज से यदि देखें तो हो जाएगा 30.9, लेकिन अब की बात करें, यदि नाउ जो है, अब जो है यह है 25.5, और ये 2020 का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 25.5 है प्रति 1000। ठीक, याद रखिएगा, जन्म दर प्रति 1000 25.5। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयला भंडार कितना था, तो ये भी 2003 का पूछा जा रहा है। कोल रिजर्व्स इन बिहार ऑन January 1, 2003, 260, 360, 160 या फिर 210। तो उस समय के लिहाज से यदि देखें तो 160 हो जाएगा, अब तो है ही नहीं, तो इसलिए सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब बिहार में कोयला मिलता कहाँ है, नहीं मिलता है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के कुल श्रमिकों में कृषि श्रम का प्रतिशत हिस्सा है, परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर इन टोटल वर्कर्स ऑफ बिहार इज 40.18, 48.18, 29.17, 46.18। देखिए, उस समय के लिहाज से यदि देखें तो यह था आपका 48.18%, लेकिन अब की बात करें तो 39.9% है। ये भी मैंने इंटरनेट से आंकड़ा उठाया है, ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 39.9% है अभी का। चलिए
वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ बिहार एट प्रेजेंट? श्री नवल किशोर शर्मा, फागू चौहान, श्री मदन लाल खुराना या फिर जस्टिस अंशुमान सिंह? आंसर क्या हो जाएगा? फागू चौहान हो जाएगा। ठीक है, फागू चौहान जो है वो यहाँ पर राज्यपाल है बिहार में। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार विधानसभा में एंग्लो इंडियन सोसाइटी से कितने सदस्य मनोनीत किए गए? 240, 243, 245, 250। देखिए ये इसमें साफ गलत है, 243 तो टोटल विधानसभा सीट है। बिहार का टोटल विधानसभा सीट कितना है? 243 है, 243 है, तो ऑप्शन सारा जो है वो गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। ठीक, वैसे मैं बता दूं कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सोसाइटी से आपके सदस्य मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब ये भी बंद हो गया है। एंग्लो इंडियन सोसाइटी से अब मनोनयन ही बंद हो गया है, इसलिए ये क्वेश्चन अब पूछा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार की कुल आबादी का लगभग 5% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि नियरली 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार सर्वाइव्स इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी बिकॉज बिहार में प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, दोनों मौजूदा और संभावित हैं। बिहार लैक्स नेचुरल रिसोर्सेज बोथ एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल, मतलब कि अभी है भी नहीं और आगे भी होने की संभावना नहीं है। भारत के बिहार में सबसे तेज प्रजनन दर है। बिहार हैज द फास्टेस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया। बिहार में बहुत प्रतिकूल जलवायु, कृषि जलवायु स्थितियां हैं। बिहार हैज वेरी अनफेवरेबल एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस, या फिर बिहार में गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल वातावरण का अभाव है। बिहार लैक्स इन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट। देखिए कौन से कारण सही है ये पूछा जा रहा है, एक और दो, दो और तीन, दो और चार, या फिर एक, तीन और चार। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका दो और तीन। जी हाँ, बिहार में प्रजनन दर जो है वो भी सबसे तेज है, और बिहार में बहुत प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थितियां हैं, और बिहार की जो जनसंख्या है वो निर्भर किस पर है? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और एलाइड सेक्टर्स, यानी कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। बाकी कारण यदि बात करें तो ये भी कारण हो सकता है कि बिहार में गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल वातावरण का अभाव है, लेकिन यह गरीबी का मुख्य कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, गरीबी का मुख्य कारण नहीं हो सकता, क्योंकि गरीब लोगों को व्यापार से मतलब क्या है? उनको तो बस किसानी करते हैं, खेती करते हैं, या फिर मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका व्यापार वाला नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। वर्तमान मूल्य पर भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? विच स्टेट हैज द लोअर पर कैपिटा इनकम इन इंडिया एट करेंट प्राइस? बिहार, ओडिशा, राजस्थान या फिर गुजरात? 205 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बिहार, बिहार हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। और हाईएस्ट कहां पर है? हाईएस्ट जो है वो है आपका गोवा में, गोवा में हाईएस्ट है, बिहार में सबसे कम है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश अपॉइंटमेंट हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार एवाज को, नसीरुद्दीन महमूद को, अली मरान को, या फिर मलिक जानी को? यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में पूछा जा रहा है। 206 का आंसर हो जाएगा डी, मलिक जानी को नियुक्त किया था। कब किया था? 1225 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अकबर ने बिहार और बंगाल को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया था? अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन 1590, 1575, 1576 या फिर 1572 ईस्वी। देखिए यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1576। जी हाँ, 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मिला लिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने परिवार की इस पीढ़ी से संबंधित है। द बोधि वृक्ष इन बोधगया बिलोंग्स टू दिस जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखिए एक शासक था, गौर वंश का शासक था, गौर नरेश जिसको कहा जाता था, नाम क्या था? शशांक। गौर नरेश शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था और फेंक दिया था फल्गु नदी में। ठीक है, तो गौर नरेश शशांक जो था, जो कि बंगाल का शासक था, बंगाल में गौर वंश का शासन हुआ करता था, उसने बोधि वृक्ष को काट दिया था, उसकी जगह पर नया वृक्ष लगाया गया, और अब जो है ये आपका पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है। ठीक है, क्योंकि बहुत पहले की बात है ये, तो उस समय से लगातार पौधा लगाया जाता रहा और अब जो है पांचवी पीढ़ी का पौधा चल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
विश्व की सबसे ऊंची विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है? वेयर इज द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप इन बिहार? वैशाली, नालंदा, राजगीर या फिर पटना? आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर हो जाएगा। राजगीर आप जाएंगे तो विश्व शांति स्तूप दिखाई देगा, व्हाइट कलर का, बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है, पहाड़ी के ऊपर है और वहां जाने के लिए आपका वो क्या बोलते हैं रोप वे भी है, ठीक है, तो बड़ा मजा आता है, आप लोग जरूर जाइएगा यदि आते हैं तो, ठीक है। तो 209 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राजगीर, ठीक। राजगीर में ही जो है आपका जू सफारी भी बनाया गया है, ठीक है। और कुछ बता देता हूँ थोड़ा, करेंट अफेयर्स, ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है, ठीक है। और आपका यहीं पर इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, नया क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। तो ये सब चीजें करेंट अफेयर्स में पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर वेनसांग मेमोरियल, महावीर का जन्मस्थान, पाली अनुसंधान केंद्र या फिर संग्रहालय? देखिए, वेनसांग मेमोरियल नहीं होगा, महावीर का जन्मस्थान तो हुआ नहीं था। महावीर का जन्मस्थान कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, वैशाली में हुआ था। ये वेनसांग जो है वो जरूर पढ़ा था नालंदा महाविहार में, लेकिन इतना भी ज्यादा वो नहीं है कि वेनसांग का मेमोरियल के लिए नव नालंदा महाविहार फेमस हो जाए। ये जो है आपका पाली अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, पाली अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है, ठीक। 210 का क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? मौर्य, नंद गुप्त या फिर लिच्छवी? आंसर क्या हो जाएगा? लिच्छवी जन के लोगों ने विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया था। उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे, याद रखिएगा, उस समय कितने महाजनपद हुआ करते थे? 16 महाजनपद हुआ करते थे। और यह जो है आपका अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में दिया हुआ है, ठीक है। और कहाँ दिया हुआ है ये? और लिच्छवी जो थे वो वज्जी संघ के थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वज्जी संघ। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में दिया हुआ है 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा, थोड़ा सा रिवीजन में करा दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि वज्जी जो है इन्हीं 16 महाजनपदों में आता था। अंग मगध काशी कौशल वज्जी मल्ल चेदी वत्स कुरु पांचाल अस्मक अवंती मत्स्य सूरसेन गांधार कंबोज, ये टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? ये तो तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है इसमें, तो सोच लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा? उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर महापद्मनंद? जस्ट बताया था उदयन, हरियंक वंश का शासक। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 1260 करोड़ टन, 303 करोड़ टन, 25310 करोड़ टन या फिर 16 करोड़ टन? देखिए, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार पूछा जा रहा है, जो एस्टिमेटेड कोल रिजर्व है ये पूछा जा रहा है। 213 का क्या आंसर हो जाएगा? 213 का आंसर 16 करोड़ टन हो जाएगा, ठीक है, 16 करोड़ टन यहाँ पर सही आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए, और ये हाल ही का क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन नहीं। द परसेंटेज ऑफ नेट कल्टिवेटेड एरिया आउट ऑफ टोटल एरिया इन बिहार इज, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? 60, 40, 80 या फिर 70? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मतलब कि 80, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। फिलहाल की बात करें तो 50.77 लाख हेक्टेयर जो है बोया हुआ फसल है, ठीक है, लाख हेक्टेयर। और ये कितना आता है? 54.2% आता है, ठीक है। ये जो है उस समय की बात है जब क्वेश्चन पूछा गया था, तब की बात है ये, फिलहाल जो है आपको ये याद रखना है लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से। चलिए आगे देख लेते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी प्रतिशत भारत की आबादी बिहार राज्य में रहती है? तो 8, 10, 11 या फिर 12? तो यहाँ पर जो है 215 का आंसर उस समय के लिहाज से हो जाएगा 8, ठीक है। अभी की बात करें तो 8.60% हो जाएगा, ठीक है। तो अभी भी ओवरऑल यदि बोला जाए तो 8 मार सकते हैं, यदि सेम ऑप्शन रहे तो 8 मारा जा सकता है, ठीक है, सही टिक लगाया जा सकता है 8 को। नेक्स्ट, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? बिहार इज द डैश लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा?
ठीक है, जनगणना के अनुसार यानी कि पॉपुलेशन वाइज पूछा जा रहा है, तो उस समय के लिहाज से देखें, 2001 के लिहाज से देखें, तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, मतलब ये जो है उस समय के लिहाज से भी तीसरा, अभी के लिहाज से भी तीसरा। देखिए ये जो है उस समय के लिहाज से छोड़ दीजिए, 2001 है यानी कि झारखंड तो उस समय था नहीं, तो अभी जो है ये तीसरा, तीसरा, ठीक है, ये तीसरा याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारत में जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल में 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर 12वां नहीं, अगर 13वां कर दिया जाए तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर बिहार, आंसर क्या हो जाएगा बिहार। मैंने बताया था कि जनसंख्या के हिसाब से तीसरा और क्षेत्रफल में 13वां सबसे बड़ा राज्य कौन है, बिहार। ठीक, तो यहाँ पर 12वां पूछा जा रहा है उस समय के हिसाब से, तो उस समय के लिहाज से भी बिहार ही आंसर होगा, और अभी अगर 13वां कर दे तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं, रेलवे मुख्यालय जोन हाजीपुर कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। द रेलवे जोन हेडक्वार्टर हाजीपुर इज लोकेटेड इन, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार। ये रेलवे जोन मेरे घर से बस 100 मीटर की दूरी पर है, हाजीपुर में ही मेरा भी घर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है बिहार में, ठीक है, रेलवे जोन हाजीपुर जो है वो बिहार में है, और यहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में शिशु मृत्यु दर है कितनी है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ बिहार स्टेट इज, झारखंड से भी ज्यादा, झारखंड के बराबर, झारखंड से कम या फिर सभी भारत, मतलब भारत के बराबर, इक्वल टू ऑल इंडिया। देखिए बिहार राज्य में शिशु मृत्यु दर पूछा जा रहा है, अगर हम लोग उस समय के लिहाज से बात करें तो यह जो है झारखंड से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, झारखंड से भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक याद रखिएगा। अभी ये जो बात करें झारखंड से ज्यादा क्यों है, तो बिहार में, बिहार में यह जो है शिशु मृत्यु दर ये 29 है, झारखंड की बात करें तो वहां कितना है 27 है, और अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यह जो है आपका 30 है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के बराबर भी नहीं होगा, झारखंड के बराबर भी नहीं होगा, झारखंड से क्या होगा ज्यादा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्टेट वाज प्रेजेंटेड बाय, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सुशील मोदी, इनमें से कोई नहीं, आंसर क्या हो जाएगा सुशील मोदी, और कब किया गया था ये जरा कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके द्वारा प्रस्तुत किया गया वो तो पता चल गया, सुशील मोदी उस समय उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और अब जो है ये कब किया गया था ये जरा सा बताइएगा। ठीक है, और इस बार किसने पेश किया है ये भी बताइएगा। ठीक है, 2006-07 की विकास रिपोर्ट के अनुसार बिहार का HDI राष्ट्रीय HDI से कम है। यहाँ पर HDI से क्या मतलब हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर की जा रही है। एज पर 2006-07 डेवलपमेंट रिपोर्ट बिहार HDI इज बीइंग लोअर देन द नेशनल HDI बाय 15%, 20%, 25% या फिर 10%। देखिए ये क्वेश्चन अब तो पूछे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उस समय पूछ दिया तो पूछ दिया, अब उस समय के लिहाज से जो आंसर था वो था ए, मतलब 15%। अभी की यदि बात करें तो यहाँ पर 2022 में बात करें तो इंडिया का जो HDI है, इंडिया का जो HDI स्कोर है वो है 0.633। ठीक है, और यह जो है 132nd प्लेस पर है, मतलब 132वें स्थान पर है। ठीक है, और बिहार का यदि बात करें तो बिहार का जो HDI है वो कितना है 0.536। ठीक है, तो अब यहां से आप परसेंटेज अगर निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये बात तय है। चल आगे देख लेते हैं, ये जो लेटेस्ट आंकड़ा दिया हुआ है वो याद रखिएगा। वर्तमान में बिहार में धन का मुख्य स्रोत कौन सा है, एट प्रेजेंट व्हिच इज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इन बिहार, उद्योग, कृषि, प्राकृतिक संसाधन या फिर खनिज पदार्थ। तो बिहार में धन का मुख्य स्रोत क्या है,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, क्योंकि खनिज पदार्थ यहाँ पर पाया नहीं जाता है, प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में है नहीं, ठीक है। और उद्योग की तो संभावना यहाँ पर सरकार ने कभी बनाई ही नहीं, लूट खसोट और बाकी रंगदारी वगैरह चलते रहता है, तो यहाँ पर जो है कृषि ही एकमात्र धन का प्रमुख स्रोत बन गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 222 का। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार सरकार द्वारा कुल व्यय का कितना प्रतिशत वेतन और पेंशन पर अकेले खर्च किया जाता है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन सैलरी एंड पेंशन अलोन, 40%, 50%, 60% या फिर 46%। देखिए ये पहले का क्वेश्चन है, तो उस समय के लिहाज से यह कितना हो सकता है ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, और इसका सही आंसर जो है वो नहीं कह सकते हम। फिलहाल की यदि बात करें उस समय के लिहाज से जो है वो कितना होगा वो आप देख लीजिएगा, अभी वर्तमान के लिहाज से जो बात किया जा रहा है तो यह हो जाएगा 223 का। यहाँ पर देखें तो 2020-21 का ये लेटेस्ट आंकड़ा है जिसमें कि राजस्व व्यय का जो है 29.7% और राजस्व प्राप्ति का 32.4% जो है वो सैलरी और पेंशन पर खर्च किया जाता है, ठीक है, वेतन और पेंशन पर खर्च किया जाता है। तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ये इस समय कितना था ये पूछा नहीं जाएगा, यहाँ पर ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं चंद्रवर्धन लेता हूँ आपसे इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में भी हमसे जुड़िए और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब पर बहुत ही ध्यान से पढ़िए, 67th के एग्जाम में और आगे 68th के एग्जाम में ये सब बहुत काम आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में मैं चंद्रवर्धन लेता हूँ आपसे इजाजत, जय हिंद, वंदे मातरम।